जिस पे हमारा अधिकार ना हो और उसे लेने का मन करे, तब शुरू होता है महाभारत। और जिस पे हमारा अधिकार हो और लेने का मन ना करे, तब शुरू होता है रामायण और राम का राज्य। आज का विषय प्रभु श्री राम के जीवन का वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। भगवान श्री राम का पूरा जीवन ही आज के वर्तमान समय में जितनी भी समस्याएं सबका हल है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, विश्व के स्तर पर आज हम लोकतंत्र की बात करते हैं। भगवान राम का लोकतंत्र देखिए, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि हमारी जनता हमारी प्रिय को पसंद नहीं कर रही है और वो सीता को त्याग देते हैं। आज विश्व ह्यूमन राइट्स की बात करता है। भगवान श्री राम से सीखिए, जिन्होंने सुग्रीव को अपना अधिकार दिलाया और विभीषण को अपना राज्य। क्या इस हद तक जाकर कि आप ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये है वर्तमान समय में उनकी उपयोगिता। आज सोशल जस्टिस, सोशल इंक्लूजन की बात होती है, जहां पर निषाद राज को अपना मित्र मानना, केवट के साथ विनम्रता से बात करना तथा लोगों के साथ मिलजुल करके चलना, क्या ये सोशल जस्टिस और इंक्लूसिविटी नहीं थी? यही नहीं, हम विश्व की बात करते हैं, हम खुद के अंदर भी देख सकते हैं कि भगवान राम का परसेप्शन देखिए। कहा जाता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं, जाति रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ख देखी दिन तैसी। भगवान श्री राम को जब वनवास जाने का उन्हें आदेश दिया गया, तो उन्होंने यही कहा कि भरत को हमारे राजगद्दी मिलेगा और मुझे मुनियों का आशीष। ये राइट एटीट्यूड है जो हमें आज के वर्तमान में चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी स्ट्रेस से बहुत जूझ रही है और ये उसका एक सॉल्यूशन बन सकता है। संयम की बात करते हैं, संयम उनसे सोचिए जो सबसे बड़ा बलवान है वो एक समुद्र के सामने खड़े होकर के विनम्रता से 3 दिन तक आग्रह करता है, कृपया मुझे आगे जाने का रास्ता दीजिए, ये कारण जानते हुए कि मेरे पास बल है, मैं उसका प्रयोग कर सकता था। वो थे प्रभु श्री राम। आपने कभी सुना है कि प्रभु श्री राम ने सीता जी से कहा हो, प्रिय तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों पार की? आपने कभी सुना है उन्होंने लक्ष्मण से कहा हो कि तुम मेरे पीछे क्यों आए? नहीं, क्योंकि ये दर्शाता है कि हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि अपनी असफलताओं को दूसरों पर ब्लेम करने के लिए। ऐसे तो प्रभु श्री राम का जीवन बहुत ही सागर के नुमा है, उसमें से हमें मोती चुनना था तो कुछ उदाहरण देकर के मैं बता पाया, अन्यथा इनको एक सागर में एक छोटी उंगली मतलब अंजलि में लपेटना जो है, मतलब उसमें डालना बहुत ही मुश्किल है। मैं अंत में कहूंगा, चूंकि समय बहुत कम है, कि जितना संघर्ष प्रभु श्री राम के जीवन में था, उतना संघर्ष अगर आज हमारे उसमें उस संघर्ष का एक बिंदु भी अगर हमारे जीवन में आ जाए, तो शायद हम मेंटली एबल नहीं रह पाएंगे, हम डिसेबल हो जाएंगे। तो 2 लाइन से मैं कहूंगा कि जीवन में जो समस्याएं इज द पार्ट ऑफ लाइफ और उससे निकलना इज द आर्ट ऑफ लाइफ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।